मुद्दे पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है और दंगे करवाने में लगी हुई है। ये बात भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने बीती शाम इंदौर में कही। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी वार किए। भाजपा नेता राकेश सिंह ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के आरोप लगाए। आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल का स्वास्थ्य देखने के लिए राकेश सिंह देर शाम मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आलाकमान फैसला लेगा। CAA को लेकर आम जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर राकेश सिंह ने कहा कि गंभीरता से बयान उनका नहीं लिया जा सकता। अडानी अंबानी और कमलनाथ सरकार को आशीर्वाद के सवाल पर राकेश सिंह चुप्पी साध गए। अब देखिए, इसके बारे में विधानसभा में हमारे बैठे लोग वरिष्ठ नेता, वो इसके बारे में चिंता करेंगे और जो सही राय होगी वो देंगे। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक सकारात्मक अभियान चलाकर रखा है और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने, विपक्ष के नेताओं ने देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की थी, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में तो हमारा आरोप है कि सरकार के इशारे पर ही दंगे भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता समझदार है और धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, बल्कि ऐसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए वो लोग जो उन तीन देशों में रहते थे उनको नागरिकता देने का कानून है और इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देश इस बात को समझ रहा है। ये बड़ी बड़ी होने वाली रैलियाँ ये साबित कर रही हैं कि जनता का समर्थन किसके साथ है। विरोध करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मैंने पहले ही अभी आपसे कहा ये प्रायोजित है। CA को लेकर कहीं कोई विरोधाभास नहीं था। प्रियंका गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, पूरे देश में इसको फैलाने की कांग्रेस ने कोशिश की, विपक्षी दलों का सहयोग लिया। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका है। हम दंगे भड़काना नहीं चाहते, हम देश में शांति रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जनता इस कानून की असलियत को समझे, वास्तविकता को समझे। और हमारी भूमिका, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका यही है कि सकारात्मक अभियान के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं। इसका जवाब तो वास्तव में कांग्रेस को देना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है, ऐसे लोगों को संरक्षण देना, तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। और जब ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं तो अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि वो जनता के सामने सच्चाई रखें और लोगों को बताएं। लोगों के मन में भ्रम है कि आखिर क्या वजह है कि उस समय पर भी, इंदिरा गांधी जी के समय पर भी, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात या उनसे मिलने की आवश्यकता हुआ करती थी, उसके कारण क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस इस तरह के लोगों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है, तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। लेकिन ये प्रमाण समय समय पर जाहिर करते हैं, इनके नेताओं के बयान जाहिर करते हैं कि वास्तविकता क्या है। देवेंद्र सिंह DSP जो पकड़ाया है आतंकियों के साथ में, उसको जम्मू कश्मीर सरकार ने पुरस्कार से भी नवाजा है। देखिए, ऐसा है, अपने सेवा काल के दौरान अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य, ऐसा कार्य किया होगा कि उस समय पर उनको लगा कि उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो किया गया होगा। लेकिन जब सारी सच्चाई सामने आई तो आज बहुत गहराई के साथ छानबीन हो रही है, जांच के नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहना उचित होगा।